अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो एक बर्थडे पार्टी से रिलेटेड है, जिसकी थीम आप लोग पहले ट्रेलर में देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखी तो फिर आगे वीडियो एंड तक देख ले। तो जी, हम लोग बनाने लगे हैं इस चार्ट पेपर से 7, क्योंकि जिस बच्ची की बर्थडे हम मनाने लगे हैं वो 7 ईयर्स की माशाल्लाह से होने वाली है। अब हमें सिर्फ 7 नहीं चाहिए, हमें उसके ऊपर बो भी चाहिए। तो मुझे पता है कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि पेंसिल के उससे आप लोग को फीलिंग आ रही होगी कि पहले हम लोग पेंसिल से बना रहे हैं। इस तरह ये हमारा 7 बो के साथ बन गए। हमने क्या किया था कि बो भी 7 के साथ ही बना लेते, तो कटिंग एक साथ कर ली थी, तो उसमें ये हो जाता है कि आपका जो बो है वो सेपरेट से आपको दोबारा से नहीं लगाना पड़ता। तो ये एक बहुत ईजी तरीका हो गया था। पहले मैं थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़ हो रही थी, लेकिन अच्छा था, कज़न ने कॉन्फिडेंटली माशाल्लाह से काट लिया था। फिर उसको मैंने ये कहा कि मतलब इसकी ये जो बोज की साइड्स हैं इनको ब्लैक से फिल कर दो, और बीच में जो हम लोगों ने वाइट यूज़ किया, हमारे पास वाइट मार्कर नहीं था, तो हम लोगों ने वाइटनर जो होते हैं करेक्शन पेन, हम लोगों ने वो यूटिलाइज़ कर लिया। और फिर हम लोग ये छोटी मोटी चीज़ें लाई हैं, बिस्किट्स, कोकोमो, लैंटी चिप्स और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने दुकान से ले ली थी, ताकि हम लोग गुडी बैग्स बना लें। और गुडी बैग्स में हम लोग मतलब हर एक आइटम से, जैसे एक जेली डाल दी थी, एक बिस्किट डाल दिया था, एक कोकोमो और एक लैंटी चिप्स। तो इस तरह फिर हम लोग अपने जो गुडी बैग्स हैं वो बंद कर रहे थे। अब स्टेपलर हमारे पास उस वक्त नहीं वो था, तो हम लोगों ने क्या किया कि डबल टेप थी, तो हम लोगों ने डबल टेप से इस एक पैकेट में 10 थैले होते हैं जब आप गुडी बैग्स के लिए लेते हो। ये हमें स्कीम से, हम लोग स्कीम में बहुत शॉप्स में घूमी, स्कीम 3 में। उसके बाद एक लास्ट शॉप थी, मैं नेम देखना भूल गई थी, लेकिन उसमें ये था कि हमें बहुत सी चीज़ें अपने थीम से रिलेटेड मिल गई थी। मतलब एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वो कार्टून वो नहीं बना हुआ था, लेकिन उससे रिलेटेड हो रही थी। अब आप लोग ये पोल्का डॉट से आइडिया लगा सकते हो, अगर आप लोग कार्टून्स देखते हो, कि मतलब थीम किस तरह की होने वाली है। तो ये सारे हमारे गुडी बैग्स बन गए थे, और हम लोग खुश थे, क्योंकि जिस बच्ची के लिए हम लोग मतलब मना रहे थे बर्थडे, तो उसका यही होता था कि मतलब वो जब डियाना और इन सब के कार्टून्स देखती थी, वो कहती थी कि मुझे भी ऐसी बर्थडे चाहिए जिसमें आपके गुडी बैग्स हो। तो वो पते सफाक से ही उसके माशाल्लाह से आ गए थे। फिर हम लोगों का थीम सिर्फ ब्लैक और रेड पे बेस था, और साथ में वाइट। तो हम लोगों ने क्या किया कि गिफ्ट पेपर ऐसे प्लेन ले लिया जो कि ब्लैक हो और प्लेन रेड। तो उसके लिए हम लोग क्या पोल्का डॉट्स वाली रिबन्स ले आए थे, क्योंकि मुझे याद था कि पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत वैरायटी, और हमें किसी न किसी शॉप से ऐसी रिबन मिल जाएगी। तो फिर इससे अभी ये कज़न एक फ्लावर बना रही है, जो कि हम बचपन में बहुत अरसा हो गया अब तो बनाते होते थे। तो जी, हम अब जाने लगे हैं, क्योंकि हमें जाना है खारियां, हमें बर्थडे पिंडी में नहीं सेलिब्रेट करनी। ये सारा बस एक डेकोरेशन का जो था, मैं आप लोग को दिखा रही थी कि हम लोगों ने किस तरह से चीज़ें कहां से ली और कैसे हम लोगों ने तैयारी की। फिर हम लोग को हैप्पी बर्थडे एल्युमिनियम फॉयल वाले भी ब्लैक और रेड में बहुत ईजीली मिल गए थे, और मतलब इसमें टोटल 13 पीसेज होते हैं। इसमें सिर्फ गोल्डन कलर आता है, सिल्वर आता है, रोज़ गोल्ड आता है, और ब्लैक और रेड मुझे याद था कि मैंने ऑनलाइन देखा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें शॉप से ही मिल जाए, क्योंकि हमारे पास दिन क्या, हमारे पास टाइम ही बिल्कुल नहीं था। तो ये हम लोगों ने सारे फुला लिए हैं। अब इसमें ये एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना था कि जब हम लोग एच ब्लैक कलर का लगा रहे हैं, तो ये हमारा रेड कलर का लगेगा। मतलब इस कलर स्कीम का हमें बहुत ख्याल रखना था। जो हमारी फाइनल डेकोरेशन थी वो ये थी कि ये सारा हम लोगों ने, मुझे ये जो थीम जिसमें हम लोगों ने लाइट्स डाले हुए, इसमें मुझे बैलून्स डालने थे, लेकिन आप नहीं डाल सकते थे, उसमें बीच में एक ऐसा डंडा टाइप था, तो फिर हम लोगों ने उसमें लाइट्स डाल दी थी। ये फुल हमारी फाइनल डेकोरेशन थी मिनी माउस वाली थीम की, और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा वेल सेट हो गया था, और सब बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि एंड में जो लुक आई थी वो बहुत प्यारी निकल आई थी। ये जी हमारा तहजीब से कस्टमाइज केक बन के आया था मिनी माउस का, इन्होंने बहुत ही प्यारा बनाया। आप लोग तहजीब से जब भी केक ऑर्डर करोगे, आप लोग कभी भी मायूस नहीं होगे, लेकिन उसमें बस ये होता है कि आप लोग को बहुत लिमिटेड स्पेसिफिक चीज़ें मिलती हैं आप लोग के हिसाब से, लेकिन जब वो बना के जी, कुछ स्नैक्स की डिशेस थी जिसमें ये सब कुछ था, रोल्स, समोसे और मतलब स्पेगेटीज थी, और मतलब ये स्नैक्स थे। उसके बाद खाने का अलग से मेन्यू था, जिसमें बारबेक्यू था, राइस, और काफ़ी लोग भी थे, लाइक सब रिलेटिव्स वगैरह उनकी साइड से भी और हमारी साइड से भी। तो काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने ये खारिया में, हमारी स्पेशल बर्थडे सेटअप थी। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए मनाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।